जय जिनेन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें या लोग या जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब क्या है? मतलब वेल, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन फॉल इन वन ऑफ द टू बकेट्स। इट कुड बी अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब जीव, जिसमें जानने देखने की कैपेसिटी है और सुख दुख का अनुभव करता है, मतलब हैप्पीनेस सैडनेस को फील करता है, वो होता है जीव। और इसके अलावा जो भी दुनिया में है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब अजीव है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आप अपने मन में अपने बेस्ट फ्रेंड को इमेजिन करो और बताओ क्या वो जीव है या अजीव। देखो, वो अपनी आँखों से अलग अलग तरह के कलर्स को जान सकता है, कानों से अलग अलग तरह के म्यूज़िक को जान सकता है, और हैप्पी और सैड भी फील करता है कभी कभी। तो वो हुआ जीव। अच्छा, अब ज़रा सोचो, एनिमल्स जैसे कि काउज, हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स, क्या वो भी लिविंग हैं? वो भी अपनी आईज से ईयर से जानते हैं, और जब एक मम्मी काओ से उसका बेबी काओ दूर लेके जाते हैं ना, तो मदर काओ को भी दुख होता है, तो वो भी जीव है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि बर्ड्स, मच्छर, मक्खी, कॉकरोचेस, एंट्स, बीज, बग्स या और भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनका क्या, वो क्या है, जीव या अजीव? अरे हाँ, वो भी तो जीव हैं, वो भी जान सकते हैं। वो कैसे? हाँ देखो, जो हाउस फ्लाइज होती हैं ना, वो लाइट को अपनी आँखों से जानती हैं और उनकी ओर ही अट्रैक्ट हो जाती हैं। और जो बीज, मधुमक्खी या हाउस फ्लाइज होती हैं, उनको मीठा मीठा पसंद होता है, वो स्वीट्स पर बैठती हैं क्योंकि उनको टेस्ट पसंद है। वो भी टेस्ट को जान सकती हैं जैसे हम जानते हैं, और जब हम उनको अपने हाथ से भगाते हैं तो वो डर के भाग जाती हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह जीव है। जैसे हमें डर लगता है वैसे ही उनको भी लगता है। अब बताओ, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब जीव हैं या अजीव हैं, लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं? ये तो मूव भी नहीं होते। हाँ, उनको भी कोल्ड की, हीट की फीलिंग होती है, उनको भी दुख सुख का अनुभव होता है, इसीलिए ये भी जीव हुए। आपको एक बात पता है बड़ी इंटरेस्टिंग सी? एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है डाइनिया मस्किपुला। उसके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट बैठता है ना, तो उससे प्लांट को पता चल जाता है और वो प्लांट एकदम से बंद हो जाते हैं और उसको खा जाता है। है ना बड़ी मज़ेदार बात। अच्छा, अब ये बताओ, आपके घर में टेबल, चेयर, टॉयज, कपड़े, हमारी कार, हमारी ज्वेलरी, हमारी मनी, ये सब क्या है? क्या इनमें फीलिंग्स हैं? क्या इनको दुख सुख होता है? नो, ये सब अजीव हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ना तो ये कुछ जान सकते हैं और ना ही इनमें सुख दुख की कोई फीलिंग होती है। अच्छा, आपको पता है जीव टू टाइप्स के होते हैं? हाँ, एक होते हैं संसारी जीव और एक होते हैं मुक्त जीव। क्या? एक होते हैं संसारी जीव और एक होते हैं मुक्त जीव। मुक्त तो वो होते हैं जो प्योर हो गए हैं, जो हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं। उनको ना बर्थ, ना ओल्ड एज, ना डेथ होती है, कोई दुख भी नहीं होता। तो आपको पता है ना कौन है मुक्त जीव? सही कहा, सिद्ध भगवान। अच्छा, दूसरे होते हैं संसारी जीव, जिन्हें बर्थ भी होता है, जिनको ओल्ड एज भी होती है और डेथ भी होती है। अच्छा बताओ, आप, हम, हमारे फ्रेंड्स, हम सब क्या हुए? हम सब संसारी जीव हैं। महावीर भगवान ने ये कहा कि जीवों पे दया करना ही धर्म है, मतलब वी शुड बी काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स, टुवर्ड्स ऑल जीव।
जैसे मुझे दुख होता है ऐसे सबको होता है, इसीलिए हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कभी सैड होता हूँ, उदास होता हूँ, ऐसे ही सब जीव भी हो जाते हैं। जैसे मुझे हर्ट होना पसंद नहीं है, वैसे ही कोई भी जीव हर्ट नहीं होना चाहता, इसीलिए मुझे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मेरे को अच्छे से बात करता है और मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे भी दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए जिससे दूसरे को अच्छा लगे। देखो, तुम अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो और अपने टॉयज शेयर करते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है ना। हाँ, तो हमें भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। करेंगे ना ऐसा ही, आज से हम सब जीवों का ख्याल रखेंगे, उन पे उपकार करेंगे, राइट? करेंगे ना। जय जिनेंद्र।